सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और इसे एक फिक्स मेथड से किया जाता है। इसमें अगर आप और कहीं दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। सीरीज हमें दी है 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, ऐसे सीरीज इन्फिनाइट तक गई है। और इसकी जो वैल्यू दी है वो दी है 2/6 और हमसे 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ऑड नंबर को अलग कर दिया गया है और उसकी वैल्यू पूछी है। तो हम भी यही करेंगे कि ऑड को अलग कर लेंगे और इवन को अलग कर लेंगे ऊपर वाली सीरीज में से। तो जब ऑड को अलग करेंगे ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर और ऐसे ये सीरीज इन्फिनाइट तक जाएगी। प्लस इवन को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर, ऐसे ये भी इन्फिनाइट तक जाएगी। और इसकी जो कम्बाइंड वैल्यू है ये तो भाई 2/6 है। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें पता करनी है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम एस मान लेते हैं। ये इसमें से देखो हमें दिख रहा है कि 2/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2/2 बाहर ले लेंगे। जैसे वैसे यहाँ से 2/2 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से जाएगा 2/2 बाहर तो ये 2/2 बचेगा, यहाँ से 2/2 बाहर जाएगा 3/2 बचेगा और आगे ये 4/2 5/2। तो ये जो सीरीज बन गई नहीं, ये तो भाई पुरानी सीरीज है ये वाली। इसकी वैल्यू क्या है 2/6, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2/6, ये लिख दिया हमने 2/6। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 2/4 होता है तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जगह 2/6 4 = 24 हो जाएगा। अब इसको हम उस तरफ भेज देते हैं तो s इक्वल टू हो जाएगा 2/6, ये तो यहाँ पर रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा 2/24। एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यहाँ कितने का मल्टीप्लाई होगा 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4/2 माइनस, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 का ही रहेगा 2/2, कितना बचेगा 3/2/24, ये काट देंगे तो 8/4 कटेगा तो 2/8, ये इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।